हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस और प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आप प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्या ये सही वक्त है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। ऐसे कई सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। इन सभी सवालों के जवाब आप तक पहुँचाने के लिए मैं डॉक्टर रुजुता राजगुरु आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर, जहाँ मैं कमिटेड हूँ महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। काफी महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी यानी कि मां बनना जितना एक्साइटिंग होता है, उतना ही कुछ महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी ये स्ट्रेसफुल भी हो सकती है। क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे काफी सवाल आपके मन में आते रहते हैं और वही एक कारण हो जाता है आपके परेशानी का। अभी तो कोरोना वायरस की वजह से जहां पूरी दुनिया परेशान और डर में है, सो प्रेग्नेंट महिलाओं का कुछ अलग हाल नहीं है। क्योंकि रोज मुझे काफ़ी फोन आ रहे हैं और काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि क्या मैडम प्रेग्नेंट महिलाएं ज़्यादा ससेप्टिबल यानी कि अति संवेदनशील है कोरोना वायरस के लिए, क्या कोरोना वायरस बहुत डेंजरस है प्रेगनेंसी में, क्या प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के वक्त ये इन्फेक्शन मेरे बेबी को हो सकता है, अगर मुझे COVID-19 इन्फेक्शन है डिलीवरी के वक्त तो क्या मेरा सिजेरियन सेक्शन ही होगा, क्या कोरोना वायरस ब्रेस्ट मिल्क में से मेरे बच्चे को हो सकता है, क्या मैंने रूटीनली चेकअप के लिए मेरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सवाल काफी होने की वजह से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसीलिए इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल हमारा ये है कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस जानने के पहले हम ये देखेंगे कि वायरसेस क्या होते हैं। वायरस ये एक माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट है जो खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिविंग सेल्स के अंदर जाके खुद को रेप्लीकेट यानी कि प्रतिकृत करता है। तो फिर आप पूछेंगे कि ये वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है। वायरसेस ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आते हैं, मतलब कि अगर वायरसेस को जीवित रहना है या खुद का रेप्लिकेशन करना है तो इनको किसी होस्ट की ज़रूरत होती है। होस्ट यानी कि कोई भी जीवित प्राणी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सभी प्रजातियों के अलग अलग वायरसेस होते हैं और इनको जीवित रहने के लिए किसी भी एक होस्ट की यानी कि लिविंग सेल की ज़रूरत होती है। और इनको अगर ये होस्ट नहीं मिला तो ये वायरसेस कुछ वायरसेस कुछ घंटों में या कुछ दिनों में खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वायरसेस की कई फैमिलीज होती है। फैमिली यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बोलते हैं कि नॉर्थ इंडियन फैमिली, साउथ इंडियन फैमिली, कोई भी है नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन फैमिली जब हम बोलते हैं तो वो बोलने के पीछे एक ही मकसद होता है कि वो पर्टिकुलर फैमिली की कुछ खासियत होती है या कुछ सिमिलैरिटीज होती है, जैसे कि खान पान, रहन सहन। तो वैसे ही वायरसेस का भी होता है, ये पर्टिकुलर फैमिली के वायरसेस की पर्टिकुलर खासियत होती है, उनका क्लासिफिकेशन एक्सटर्नल फीचर यानी कि मॉर्फोलॉजी के ऊपर, केमिकल कंपोजिशन के ऊपर और मोड ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर उनका क्लासिफिकेशन होता है। वैसे ही उस हिसाब से उनकी फैमिलीज डिसाइड हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पिकोरोना वायरसेस, रैबडो वायरसेस, रेट्रो वायरसेस, फिलो वायरसेस, पारवो वायरसेस, और वैसे ही इनमें से एक फैमिली है कोरोना वायरसेस की। ये जो कोरोना वायरसेस है ये मनुष्य जाति से लेके प्राणियों में दोनों में इन्फेक्शन कॉज ये कर सकते हैं। और ये जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं ये सर्दी जुकाम से लेके सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेसेस ये कोरोना वायरसेस कॉज कर सकते हैं। इनमें से एक जो नोवेल कोरोना वायरस, नोवेल यानी कि नया कोरोना वायरस हमारे सामने दिसंबर 2019 के अंतिम में आया है, जिसका नाम है SARS-CoV-2 यानी कि सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये जो कि चाइना के वुहान शहर में से पूरी दुनिया में अभी तक फैल चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो SARS-CoV-2 वायरस है ये जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक यानी कि ये अभी तक के सिर्फ एनिमल्स में देखा गया था, ह्यूमन बींग्स में अभी तक ये कभी आया नहीं था और अभी ये मनुष्य प्रजातियों को भी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है,
ये टोटली न्यू वायरस है, इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट के सामने ये एक चुनौती बन चुका है। सो ये वायरस की वजह से जो भी बीमारी यानी कि रेस्पिरेटरी डिजीज ये कॉज करता है उसे COVID-19 डिजीज कहते हैं। फिर दूसरा हमारा प्रश्न है, अगर आप प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो किन किन लक्षणों से आपको सावधान रहना चाहिए। COVID-19 ये बीमारी के सबसे कॉमन जो लक्षण है वो है तेज बुखार आना, खांसी होना, थकावट महसूस होना, और इन्फेक्शन अगर ज़्यादा सीवियर हो तो सांस लगना यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होना ये भी हो सकता है। इसके साथ साथ ही और भी लक्षण इसमें देखे जा सकते हैं, जैसे कि ठंड लगना, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, गले में खराश आना और टेस्ट और स्मेल सेंसेशन टोटली ऑल्टर हो जाना। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आप प्रेग्नेंट हो और आप में दिखाई दे रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट या फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करना है फोन पे, और अगर वो कहते हैं कि हाँ आपको दिखाने की ज़रूरत है तो आपको प्रायर इंटीमेशन के साथ डॉक्टर को विजिट करना है ताकि डॉक्टर और वहाँ का नर्सिंग स्टाफ प्रॉपर प्रिकॉशंस ले सके। फिर अगला सवाल है, क्या प्रेग्नेंट महिलाएं कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लिए ससेप्टिबल यानी कि अति संवेदनशील है। अभी तक के ये वायरस के ऊपर बहुत सारा स्टडी नहीं हो पाया है, इसलिए कोई भी चीज़ हम 100% नहीं कह सकते, पर CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार प्रेग्नेंट महिलाएं जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से फ्लू जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए अति संवेदनशील है। क्योंकि इसके दो कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहला कारण, एक प्रेगनेंसी ये एक इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है, यानी प्रेगनेंसी में काफ़ी चेंजेस हमारे इम्यून सिस्टम में हो जाते हैं, और दूसरी ये चीज़ कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो प्रेगनेंसी में हार्ट और लंग्स के ऊपर काफ़ी ओवरलोड हो सकता है नॉर्मल हार्ट के हिसाब से। सो इसीलिए हम जनरली कहते हैं कि प्रेगनेंसी में नॉर्मल या जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है। पर COVID-19 को लेके अब तक यानी कि अप्रैल 2020 तक के ऐसा कोई ठोस सबूत हमारे सामने नहीं आया है कि प्रेग्नेंट महिलाएं COVID-19 को अति संवेदनशील या ज़्यादा ससेप्टिबल है। और दूसरी बात, रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि अगर COVID-19 इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में हुआ भी तो उसका कॉम्प्लिकेशन रेट यानी जैसे कि न्यूमोनिया या अदर कॉम्प्लिकेशन रेट जो है वो जनरल पॉपुलेशन इतना ही है बल्कि ज़्यादा नहीं है। सो ये एक अच्छी बात है फिलहाल COVID-19 पे जितना स्टडी हुआ है उसके हिसाब से। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कोरोना वायरस और प्रेगनेंसी से रिलेटेड और कई सवालों के जवाब लेके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।